हेलो गाइज, स्वागत है आपका हेल्थ प्लस में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रोटीन यूरिया के बारे में कि जब आप यूरिन का टेस्ट करवाते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ आता है प्रोटीन ट्रेस या फिर इनके अलावा +1, +2, +3 या +4। तो ये सब कुछ स्टेजेस क्या होती है और इसमें आपका जो कितना यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, इनके बारे में मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अभी तक आपने जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं आपको हेल्थ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां देता रहूंगा। तो देखिए, हम सबसे पहले प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, लेकिन एल्बुमिन हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा का एक मुख्य पार्ट होता है। अगर हम एल्बुमिन का काम देखें तो यह ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। इनके अलावा हमारे ब्लड में वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, हॉर्मोन्स, बिलिरुबिन और इनके अलावा जो भी अन्य ड्रग्स हैं उनको बांध कर रखने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में एल्बुमिन का लेवल कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में बहुत से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अगर हम यहाँ ब्लड में प्रोटीन की नॉर्मल मात्रा देखें तो 3.4 से 5.4 ग्राम पर डीएल होती है, और इसी क्रम में अगर हम यूरिन में प्रोटीन की नॉर्मल मात्रा देखें तो 30 मिलीग्राम पर डे से कम होती है, और अगर यूरिन में जो प्रोटीन की मात्रा है वो 30 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा आती है तो इसको हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। और अगर आपके भी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा आ रही है तो इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि कैसे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां जाकर ये देख सकते हैं। तो अब देखिए, जो यूरिन में प्रोटीन की मात्रा आ रही है उसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेज है कि प्रोटीन का ट्रेस होना। इसका मतलब है कि आपके अगर यूरिन में प्रोटीन आ रही है और आप उसकी मात्रा देखना चाहते हो तो जो आप रिपोर्ट्स करवाते हो उस रिपोर्ट्स में अगर लिखा हुआ आता है कि ट्रेस होना, यानी इसका मतलब है कि आपके जो यूरिन में जो प्रोटीन की मात्रा आ रही है वो नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा आ रही है। यानी कि यूरिन में जो प्रोटीन्स की नॉर्मल मात्रा आती है वो आती है 30 मिलीग्राम पर डे से कम। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके यूरिन में 150 मिलीग्राम पर डे के आसपास अगर प्रोटीन आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके यूरिन में जो प्रोटीन है वो ट्रेस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डाइट में कुछ ज्यादा प्रोटीन ले लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में जमता नहीं है, बल्कि उसमें क्या होता है कि वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब दूसरा है कि अगर आपकी रिपोर्ट्स में 1+ लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि आपके जो यूरिन में प्रोटीन्स की मात्रा आ रही है वो बढ़कर 200 से 500 मिलीग्राम पर डीएल हो चुकी है, तो इसको हम 1+ की श्रेणी में रखते हैं। यहीं पर अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में 2+ लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि आपके जो प्रोटीन्स में यूरिन की मात्रा आ रही है वो और ज्यादा बढ़कर 500 से 1500 मिलीग्राम पर डीएल हो चुकी है, तो इसको हम 2+ श्रेणी में रखते हैं। अब नेक्स्ट है 3+। इसमें क्या होता है कि आपके यूरिन में जो प्रोटीन की मात्रा आ रही है वो और ज्यादा बढ़कर 2500 मिलीग्राम पर डे के आसपास आने लगती है, तो इसको हम 3+ की श्रेणी में रखते हैं। अब आगे लास्ट है 4+। देखिए, यह एक रेयर कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि आपके यूरिन में जो प्रोटीन की मात्रा आ रही है वो सबसे ज्यादा बढ़कर 3000 मिलीग्राम पर डे के आसपास आने लगती है, तो इसलिए इसको हम 4+ की श्रेणी में रखते हैं। अब मैं आपको कुछ मुख्य पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से आपके यूरिन में जो प्रोटीन्स आने की है वो समस्या बनी रहती है। इसमें सबसे पहले है किडनी की खराबी। देखिए, आपकी किडनी में कोई ना कोई खराबी होती है, उसकी वजह से आपके जो यूरिन में है वो प्रोटीन आने की समस्या बनी रहती है, चाहे उसमें नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए हो या कुछ सेल्स डैमेज हो, कोई भी कारण हो, मतलब किडनी का जो फिल्ट्रेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उसके कारण जो आपका ब्लड से जो प्रोटीन्स है वो भी फिल्टर होकर जो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी कई बार क्या होता है कि
कि जो किडनी में जो ब्लड आता है वो प्रेशर से आता है, जिनकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट फिल्टर होके यूरिन के द्वारा बाहर निकलते हैं, उनके साथ साथ ही जो हमारे प्रोटीन्स है वो भी बाहर निकल जाते हैं। और लास्ट है डायबिटीज। देखिए डायबिटीज के कारण भी कई बार क्या होता है कि जो हमारे शरीर के टिश्यू या सेल्स है या हमारे किडनी के जो सेल्स है नेफ्रॉन्स है वो धीरे धीरे करके डैमेज हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं फिल्टर होकर, उनके साथ साथ क्या होता है कि जो प्रोटीन्स की मात्रा है वो भी फिल्टर होकर बाहर निकल जाती है।